नमस्कार, जी टीवी में आपका स्वागत है। अलीगढ़ में चल रहे मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में छात्रों का अनवरत धरना प्रदर्शन व जिन्ना के लेकर विरोध प्रदर्शन, जिन्ना के प्रकरण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में आज बसपा के नेता व पूर्व विधायक हाजी जमीउल्लाह खान के भड़काऊ भाषण दिए जाने से स्थानीय पुलिस हैरत में आते हुए उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत उनके साथ लगाए गए रहे गनरों को वापस ले लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट व हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हुई झड़प के बाद चलते आ रहे एमयू स्टूडेंट के दल ने प्रदर्शन पर पहुंचे पूर्व विधायक व बसपा नेता द्वारा छात्रों के बीच पहुंचकर दी गई भड़काऊ बयानबाजी भाषण के बाद पुलिस प्रशासन पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत सुरक्षा लगे गनर को भी वापस ले लिया है। इस पर पूर्व विधायक ने कहा कि ये सरासर अन्याय है, लोगों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, हम छात्रों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, पर स्थानीय पुलिस ने गलत भाषण, भड़काऊ भाषण दिए जाने, शांति व्यवस्था भंग किए जाने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत उनके सुरक्षा व्यवस्था की दी गई गनर को भी वापस ले ली गई है। अलीगढ़ से अजय कुमार की खास रिपोर्ट। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी थी चेतावनी जिससे कि कोई मेरा वीडियो है उसको चेक करो ना। ये जो जबरदस्ती हम पे हमारी जुबान बंद करने के लिए, हमें डराने के लिए FIR करी जा रही है, चलिए करें। मैं सरकार, सरकारें आती जाती रहती हैं, जब सरकार आएगी तो इन लोगों को भी देखा जाएगा। ये कतिपय बयान इस तरह से आए थे पिछले दिनों, उस बयान का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। किसके खिलाफ किया गया होगा? ये पूर्व विधायक जमीरुल्लाह जी हैं, उनके विरुद्ध कुछ बयान, इनके विवादित बयान थे जिन का संज्ञान लेकर के समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गनर भी हटाया गया? गनर हटाना तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत चूंकि उसका समय पूरा हो गया था और पिछले जो अवशेष थे, अवशेष धनराशि थी, वो जमा नहीं की गई है। ये बहुत सारे कारण हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत समय पूरा होने के कारण।